गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वी वर स्टडिंग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ बीएससी बीसीए सेमेस्टर 6 एंड इन पर्टिकुलर We were studying unit third, and the title of the unit third is complex integration. Okay. So complex integration में जो हमने सबसे पहला टॉपिक शुरू किया था वो शुरू किया था डेफिनाइट इंटीग्रल से. देन हमने कंटूर्स के बारे में स्टडी किया और फिर हमने कंटूर इंटीग्रेशन शुरू किया था. कंटूर इंटीग्रेशन की हमने कैसे कंटूर इंटीग्रेशन की जाती है उसके ऊपर काफी डिस्कस किया और दो तीन एग्जांपल्स की थी उसके बेसिस पे. मैं दोबारा थोड़ा रिपीट करना चाहता हूं कि कंटूर इंटीग्रेशन यानी कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं. अभी तक हमने पढ़ा था कि हम इंटीग्रेशन करते थे. 12th क्लास में हमने इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ा, आप बच्चों ने स्टडी किया था. और इंटीग्रेशन में जो हम स्टडी करते थे वो हम कोई एक वन वेरिएबल फंक्शन लेते थे. ओके. और ये जो फंक्शन होता था, ये जो एक्स होता था या ये रियल वेरिएबल होता था. ओके. और ये फंक्शन होता था रियल वैल्यूड फंक्शन या रियल फंक्शन हुआ करता था. ओके. तो ये एक्स रियल वेरिएबल होता था, एफ जो डिफाइंड होता था वो रियल वेरिएबल के ऊपर डिफाइंड होता था. मतलब f(x) dx फ्रॉम x1 to x2, ये डेफिनेट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हुआ करती थी. यहाँ जो ये x वेरिएबल होता था ये भी रियल होता था, और जो dx जो होता था ये भी रियल, और जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हुआ करती थी ये दोनों की दोनों ये भी रियल हुआ करती थी. ओके. बट इन केस ऑफ कंटूर इंटीग्रेशन दैट इज कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन वी विल स्टडी द इंटीग्रेशन ऑफ सच टाइप f(z) dz, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन रहेगी z1 to z2. इसमें जो z रहेगा वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल रहेगा. ये z रहेगा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, और जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन रहेंगी वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ये भी क्या रहेंगी? कॉम्प्लेक्स नंबर्स रहेंगी. अब हम जो भी स्टडी करेंगे, जो भी वेरिएबल हम स्टडी करेंगे वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल स्टडी करेंगे, और जिस भी फंक्शन की हम इंटीग्रेशन निकालेंगे वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन होगा. ओके. तो जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होगी वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगी. तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो इम्पोर्टेंट थिंग्स टू बी नोटेड हियर, वो क्या रहेंगी कि सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होगा, z होगा, और z को हम लिखते हैं x + iota y, वेयर x इज द रियल पार्ट एंड y इज द इमेजिनरी पार्ट. ओके. तो जब z लेंगे, अब z की हेल्प से हम dz निकालने की कोशिश करेंगे, वो dz निकल जाएगा dx + iota dy निकल जाएगा. इतना ही नहीं, जो जितना जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल था उसको हमने x + iota y की फॉर्म में लिखा, ठीक है. और जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन रहेंगी, अब देखिए हमें करना है इंटीग्रेशन. अगर हमें इंटीग्रेशन करनी है तो इंटीग्रेशन तो किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में की जाती है, या तो वो विद रिस्पेक्ट टू x की जाएगी या तो वो विद रिस्पेक्ट टू y की जाएगी. बट यहां तो x + iota y है. How to convert the whole complex variable into a single variable, either in x or in y? So, जब भी आपको integration find करने के लिए कहा जाएगा, आपको साथ में दिया जाएगा along any path. कोई given path होगा, वो line भी हो सकती है, वो circle भी हो सकता है, वो ellipse भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है. उस path की help से,
उस पाथ की हेल्प से हम एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे, रियल वेरिएबल एक्स में कन्वर्ट करेंगे या उसको वाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे अब मैं एग्जांपल आपके सामने करूंगा, इस एग्जांपल में आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हम कैसे पाथ की हेल्प लेके हम किसी एक वेरिएबल में उसको कन्वर्ट करके फिर हम इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस ट्राई एन एग्जांपल। एग्जांपल क्या है हमारे पास, इवेल्युएट इंटीग्रल z कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर dz, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 2+ i अलोंग द रियल एक्सिस टू 2, along the real axis to 2 and then vertically to 2+ i. This means the path kya diya hai, path kya diya hai, agar mere paas ye x axis hai, ye mere paas x axis hai aur ye mere paas agar y axis hai, ye mere paas x axis yani ki real axis, ye mere paas y axis yani ki imaginary axis। Okay, to kya diya path, along the real axis to 2। अब देखो जीरो से शुरू है इसकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, खत्म कहां हो रही है 2+ i पे हो रही है। और मैंने आपको बोला था कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x+i को हम ऑर्डर पेयर xy में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि a+i है उसको हम ऑर्डर पेयर ab में लिख सकते हैं, और यहाँ क्या है 2+i 1, इसको हम ऑर्डर पेयर 2 1 में लिख सकते हैं, where 2 is the point on the x-axis and 1 is the point on the y-axis। Okay, so this means 2 towards real axis and 1 towards imaginary axis, that is y-axis। तो हम क्या करते हैं, अब देखिए यह maximum point 2 है, तो मान के चलते हैं ये 1 है, ये आपका 2 है, ये 1 है, ये आपका 2 है, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया। अब देखिए path क्या दिया है, along the real axis to 2, start कहां से हो रहा है, 0 से, along the real axis, real axis की तरफ जाना है, लेकिन कहां जाना है, 2 तक जाना है, ये आ गया, ये path, एक खत्म नहीं हुई बात। and then vertically to 2+i, vertically along the real axis to 2, फिर उसके बाद vertically जाना है, perpendicular जाना है, किसके, real axis के perpendicular जाना है, vertically जाना है, 2+i, मतलब x का point 2 और y का point 1, x का point 2, y का point 1, तो ये vertically आपने यहाँ, तो ये पॉइंट बन जाएगा 2+i, या इसको आप कह सकते हो 2 1। ओके, तो ये आ गया आपका, मान लो ये आपका, ये तो आपका ओरिजिन होगा, ये मान लो आपका पॉइंट ए है, ये मान लो आपका पॉइंट बी है, तो इसको कंबाइन करके जो पॉइंट जो आपका बनेगा, डायग्राम बनेगा, वैसे बनेगा। तो अगर पाथ की बात की जाए, पहले से 0a फिर ab, 0a और ab को दोनों को ऐड करेंगे, देन आपको 0 से 2+i तक लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपका निकल जाएगा, आपका इंटीग्रैंड सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेकर चलते हैं इंटीग्रल 0 to 2+i z कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर dz इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2+i z, z क्या होता है, x+i, तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x-i हो जाएगा, और उसका होल स्क्वायर dz, तो dz क्या होगा, dx+i dy हो जाएगा। इधर मैं लिखूंगा बिकॉज z आपने क्या लिया, x+i, ये इंप्लाई क्या कर देगा, z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x-i, जो आपका इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि इमेजिनरी नंबर इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो यहां से अगर हम dz की बात करें, dz क्या निकल के आएगा, dx+i dy यहां से निकल कर आएगा। ओके, तो इसके बाद क्या होगा, ये आपके पास ये चीज क्या बन जाएगी, ये चीज देखिए, इसको मैं 0 से 2+i पे जाने से पहले इसको दो पाथ में मैं इसको डिवाइड करूंगा, क्योंकि मुझे 0 से 2+i पे जाना है, मतलब O से मुझे B जाना है, वो कैसे जाऊंगा, O से A और A से B, तो दिस मीन ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक होगा 0 से, या ऐसे कह लो आप अलोंग पाथ OA, ठीक है, 0 से, मतलब OA पाथ आ गया,
ठीक है, ये इसका सॉल्व कर, इसको बाद में करते हैं सॉल्व, एक्स माइनस योटा वाई का होल स्क्वायर डी एक्स प्लस योटा डी वाई। ओके, तो प्लस फिर पहले ओ से ए फिर ए से बी, इन दोनों का सम बनेगा अलोंग पाथ ए बी, अलोंग पाथ ए बी। ठीक है, तो ये एक्स माइनस योटा वाई का होल स्क्वायर और डी एक्स प्लस योटा डी वाई, ये इसके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि पार्ट टोटल क्या आपका जीरो से टू प्लस आई, जीरो, जीरो वाले का नाम क्या है ओरिजिन ओ। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे करें ये जीरो प्लस योटा जीरो होगा, ये फ्लैट हो जाएगा ऑर्डर पेयर जीरो जीरो, ये हो जाएगा ऑर्डर पेयर टू वन। तो जीरो जीरो क्या है ओरिजिन, तो ये क्या है आपका बी, तो ओ से बी ये पाथ कौन सा होगा ओ बी, ये पाथ कौन सा होगा ओ बी, ओ बी। तो ओ से बी कैसे बनेगा, पाथ ओ ए प्लस पाथ ए बी, उनके इंटीग्रेंट्स का हम सम करेंगे। ओके, और इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको, पहले थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इसको, अलॉन्ग पाथ ओ ए ये वाला पाथ, ठीक है, ये बनेगा ए माइनस बी का होल स्केयर, ये बनेगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर, क्योंकि ये आपका ए है और योटा वाई आपका बी है। ठीक है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू इंटू ए इंटू बी। ओके, तो यहां आ जाएगा डी एक्स प्लस योटा डी वाई, और प्लस इंटीग्रल अलॉन्ग पाथ ए बी। अब इसके बाद करते हैं ए माइनस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू इंटू ए इंटू बी। ओके, इंटू डी एक्स प्लस योटा डी हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, अलॉन्ग पाथ ओ ए ये बन जाएगा एक्स स्केयर, योटा स्केयर होता है योटा स्केयर वाई स्केयर, योटा स्केयर होता है माइनस वन, तो माइनस वाई स्केयर और माइनस योटा टू एक्स वाई, और यहां से आ जाएगा डी एक्स प्लस योटा डी वाई, प्लस प्लस इंटीग्रल अलॉन्ग पाथ ए बी, ए बी ये बन जाएगा एक्स स्केयर, योटा स्केयर होता है माइनस वन, ये जगह माइनस वाई स्केयर माइनस एटा इंटू टू एक्स वाई, और यहां से आ जाएगा डी एक्स प्लस एटा डी वाई। ओके, अब देखिए पाथ्स की बात करते हैं, पहले ओए की बात करते हैं फिर एबी की बात करते हैं, फिर देखते क्या हमारी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या होंगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में हम सारा का सारा जो इंटीग्रैंड है और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, वो किसकी हेल्प लेंगे, पाथ की हेल्प लेंगे। पहले हम पाथ ओए की बात करते हैं, ये ओ से लेकर ये वाला पाथ, इस पाथ की बात करेंगे, उसकी हेल्प से हम सारा इसको सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, और फिर हम इस पाथ की बात करेंगे, देखते हैं इसके इसमें क्या कंडीशन आती है। अब मैं पाथ करता हूं ऑन या अलोंग, अलोंग पाथ ओ ए, अगर हम ओ ए की बात करें, पाथ ओ ए की बात करें, यहां ना बाई बढ़ा ना बाई घटा, तो वाई क्या रहता है जीरो, इक्वेशन वाई इक्वल जीरो रहता है, वाई ना बढ़ा ना घटा, तो वाई क्या रहता है अलॉन्ग पाथ ओ ए, वाई क्या रहता है जीरो रहता है। तो दिस इंप्लाइज दैट अगर वाई जीरो है तो उसको डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। और अगर इस पाथ की बात करें, एक्स कहां से कहां वेरी कर रहा है, जीरो से कहां जा रहा है टू तक जा रहा है, एंड एक्स वेरीज फ्रॉम जीरो टू टू, दैट इज एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू टू, ये वेरी करेगा। ओके, अब बात करते हैं अलॉन्ग पाथ ए बी की, अलॉन्ग पाथ ए बी, इस पाथ की बात करते हैं, इस पाथ की बात करते हैं, ये वाला पाथ, ठीक है ए बी। इधर देखा जाए एक्स यहां कितना था वन, यहां टू, एक्स यहां टू ही रहेगा, यहां वाई बढ़ रहा है और वाई घट रहा है। ठीक है, वाई कहां से कहां चला गया, वाई इधर क्या था एक्स एक्सिस पे वाई कितना होता है जीरो, तो वाई कहां चला गया वन पे चला गया, दिस मीन्स एक्स आपका टू ही रहा, एक्स आपका टू ही रहा, ये एक्स जीरो है ये एक्स वन है ये एक्स टू है, एक्स आपका टू ही रहा, लेकिन वाई कहां से कहां वेरी कर गया, जीरो से कहां चला गया वाई वन चला गया। अगर ये वन है तो इसको अगर हम पैरेलल करें, ये वन है तो ये भी वन होगा, तो वाई कहां से कहां वेरी कर रहा है, वाई एक्सिस के लॉन्ग वेरी करेगा ना वाई, तो वाई जीरो से वन वेरी कर गया, लेकिन एक्स क्या रहा, एक्स आपका टू ही रहा। ठीक है, देखिए अलॉन्ग पाथ ए बी एक्स आपका टू रहा
तो इसका मतलब डी एक्स आपका यहां से क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. एंड वाई वेर इज या चेंजेस वेर इज फ्रॉम वाई इक्वल टू जीरो टू वाई इक्वल टू वन. तो ये इन चीजों को यूज करके, लिमिट्स को यूज करके, कन्वर्शंस को यूज करके हम सारा का सारा इंटीग्रेंड चेंज करेंगे. ओके तब देखिए के बाद ये सारा चेंज करेंगे. कर क्या रहे थे, इंटीग्रेशन जीरो टू टू प्लस आई जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर डी जेड, इसको सॉल्व कर रहे थे. तो देखिए अब ओ ए की जगह क्या आ जाएगा, पाथ एक्स कहां से कहां वेरी कर रहा है, जीरो से टू वेरी कर रहा है, एक्स वेरी करेगा जीरो से टू. और यहां अलोंग पाथ ओ ए पे वाई क्या था, जीरो, डी वाई क्या था, जीरो, तो वाई जीरो था. ठीक है, अब देखिए y जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, बचेगा क्या x स्क्वायर. और dy भी जीरो हो गया, dy भी जीरो हो जाएगा, बचा क्या dx, x स्क्वायर बचा और dx बचा, x स्क्वायर बचा और dx बचा. सारे के सारे कन्वर्शन x में हो गई और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन भी x में कन्वर्ट हो गई. क्लियर है. अब बात करते हैं सेकंड इंटीग्रैंड की. अब देखिए y कहां से कहां चेंज हुआ, जीरो से वन चला गया, जीरो से वन चला गया, किस बात की हम बात करेंगे. ठीक है, और x क्या रहा, टू, और dx जीरो हो गया और y जीरो से वन हो गया. अब x की जगह टू पुट करना है इस पाथ पे, x की जगह टू आएगा तो टू का स्क्वायर फोर माइनस y, y वेरी कर रहा है, y y रखेंगे, y स्क्वायर, ठीक है, माइनस आयोटा टू इंटू एक्स आ जाएगा आपका टू इंटू y आपका y रहेगा क्योंकि y आपका वेरी कर रहा है. ठीक है, और dx आपका हो गया जीरो, तो बचा गया योटा dy, योटा dy, ये आपका इंटीग्रेंड बच जाएगा. अब इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन. ओके, तो यहां से अगर इसकी इंटीग्रेशन देखी जाए, x की पावर 3 अपॉन 3 और यह जगह लोअर लिमिट और यह जगह अपर लिमिट, प्लस इसकी करेंगे तो क्या आएगा, 4y हो जाएगा. ठीक है, 4y माइनस इसकी हो जाएगी y की पावर 3 माइनस 3, इसकी हो जाएगी माइनस टू टू या फोर योटा, वाई की हो जाएगी वाई स्क्वायर पॉइंट टू, और यहां से योटा आ जाएगा बाहर और लोअर लिमिट जीरो और अपर लिमिट वन आ जाएगी. क्लियर है. अब यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें, जाएगा अपर लिमिट लगाएंगे पहले टू की पावर थ्री, या ऐसे करो वन बाय थ्री आपने बाहर निकाल दिया, एक्स की पावर थ्री अंदर बचा, एक बार अपर लिमिट लगाएंगे एक बार लोअर लिमिट लगाएंगे, प्लस योटा अपर लिमिट ही लगाएंगे, लोअर से तो वो सारा जीरो बन जाएगा. तो वन लगाओ क्या बनेगा, फोर इंटू वन माइनस वन पॉइंट थ्री माइनस फोर योटा पॉइंट टू, तो ये बनेगा. ठीक है, तो यहां से टू की पावर थ्री आएगा एट, एट पॉइंट थ्री प्लस योटा, तो यहां से बचेगा फोर माइनस वन बाय थ्री और माइनस टू योटा बच जाएगा. ठीक है, इसको हम करेंगे सॉल्व तो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा. यहां से क्या आएगा, विच इज इक्वल टू एट पॉइंट थ्री प्लस आयोटा, ये फोर जी ट्वेल्व माइनस वन इलेवन पॉइंट थ्री माइनस टू आयोटा, तो यहां से आएगा एट पॉइंट थ्री प्लस आयोटा इलेवन पॉइंट थ्री, आयोटा 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 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू टू, यहां से आएगा एट बाय थ्री प्लस आयोटा इलेवन पॉइंट थ्री, आयोटा स्क्वायर माइनस वन प्लस टू हो जाएगा. तो यहां से अगर इन दोनों को रियल रियल पार्ट को हम इकट्ठा करें, थ्री टू जै सिक्स प्लस एट फोर्टीन, फोर्टीन बाय थ्री प्लस योटा इलेवन बाय थ्री, तो विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, और वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आया. सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन. तो गिवन पाथ की हेल्प से हमने किस तरीके से पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को हमने रियल में चेंज किया किसी एक वेरिएबल में, वाई यूजिंग पाथ. सो इसके ऊपर हम एक दो एग्जांपल और करेंगे, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो होगी हमारी कॉशी थ्योरम और कॉशी इंटीग्रल फार्मूला. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स
उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर थर्ड। थैंक यू सो मच।